मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और इस सत्र में अनुपूरक बजट भी आना है। हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया जी। मलैया जी, किस तरह का अनुपूरक बजट होगा ये और क्या उम्मीद की जाए इस बजट से? देखिए, हर वर्ष ही हर सरकार के अनुपूरक बजट आते हैं। जो बजट होता है उसके बाद बहुत से बिन देखे खर्चे आ जाते हैं अलग अलग विभागों के, या उसके पहले मुख्य बजट से और राशियां कोई प्राकृतिक प्रकोप से या दूसरी चीज़ों में खर्च हो जाती हैं, तो ये आना तो स्वाभाविक है, आता है। इसमें हमने अलग अलग विभागों से चर्चा की है और जिन जिन विभागों की चर्चा के अनुसार उनको जो राशि इस शेष वित्तीय वर्ष के लिए चाहिए उतने का हम अनुपूरक बजट लेके आ रहे हैं। कृषि को लेकर का देखा जाए तो कई अल्पवर्षा की स्थिति भी हुई थी पिछले दिनों। कांग्रेस अगर बात की जाए तो कांग्रेस कह रही है कि इस बार किसानों के मुद्दे जो हैं, मुआवजे की बातें, वो सब क्या इस बजट से माना जाए कि कहीं वो शिकायतें दूर होंगी या कहीं ना कहीं वहाँ राहत मिल सकती है? भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने हमेशा किसानों की और देहातों की चिंता की है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि इस बार भी जब अतिवृष्टि हुई, ओलावृष्टि हुई, तो उसकी राशि हम लोगों ने किसानों को दी है। और इसके साथ साथ फसल बीमा की पहली बार जो राशि है वो हमने पूरे प्रदेश में किसानों के लिए बांटी है। तो हम तो हमेशा किसानों की ही चिंता करते रहे हैं और आगे भी जो चिंता है वो हम करते रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसी, उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है, उसमें बोला है कि मुख्यमंत्री श्वेत पत्र लेकर आए और बताएं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसी है। वित्त मंत्री होने के नाते आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक है, बिल्कुल ठीक है, परंतु ये तो वित्तीय अनुशासन होता है। कई बार लोग कहते हैं कि इतने करोड़ रुपए से ऊपर के विड्रॉल के ऊपर रोक लगा दी, ये बात सही है। हमने 5 करोड़ रुपए से ऊपर के विभागों के विड्रॉल के ऊपर रोक नहीं लगाई है, परंतु जो भी व्यय है वह वित्त विभाग की सहमति से विड्रॉ किया जाए, ये हमने किया है। ये हमारे लिए काफ़ी कारगर भी साबित हुआ है। जहाँ तक वित्तीय स्थिति का सवाल है, ये बात जरूर है कि डीजल पेट्रोल के दाम कम होने से लगभग 500 करोड़ रुपए का राजकोष के ऊपर भार आया है, ये बात बिल्कुल सही है, और भी हैं, परंतु हम इतने सक्षम हैं कि हम इन सब चीज़ों से निकल आएंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। आज भी जो हमारा राजकोषीय घाटा है FRBM एक्ट के तहत 3% के भीतर रखा जाता है, वह आज भी 3% के भीतर है। सर, चूंकि पिछले सत्र में देखा था काफी हंगामेदार सत्र रहा था, विपक्ष ने काफी हंगामा किया था, इस बार क्या माना जाए, सरकार किस तरह से विपक्ष के अपने जवाब रखेगी और किस तरह से सत्र की उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, प्रतिपक्ष का काम ही है रखना, और ये सही ढंग से, मैं तो ये कहूंगा वो सही ढंग से जिस पुरजोर तरीके से उन्हें विरोध करना चाहिए चीजों का, वो विरोध करते ही नहीं है। कोई बिना मतलब की बातों के ऊपर ही अपना समय जाया कर जाते हैं। वो विरोध करें, अच्छा है, लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कहीं कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है, तो विधानसभा के माध्यम से वो सरकार को और जनता को सामने आए, उसको सुधारा जाएगा। धन्यवाद मलैया जी। तो ये थे जयंत मलैया, प्रदेश के वित्त मंत्री, जो बता रहे थे कि अनुपूरक बजट में जो विभागों से पूछा गया था, उनकी जो मांगे थी, उस पर काफी ध्यान दिया गया और उम्मीद है कि राहत भरी खबरें सभी विभागों के लिए होंगी। जितना बजट उन्होंने मांगा है शायद वो बजट मिल जाए। आदित्य श्रीवास्तव, TT News, भोपाल।